ये सिंपल और सादा जो रेसिपी है ना, ये शेयर करने से मुझे लगता है कि हम अपने फूड हेरिटेज को ना बचा रहे हैं। बिकॉज़ आप देखोगे सारी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट रेसिपीज़ तो मिल ही जाएंगी हमारे बच्चों को और आने वाली जनरेशन को, बट ये सिंपल खाना वो खाना भूल जाएंगे। तो मेरा ये एक तरीका है कि मैं अपने घर पे ये जो हम लोग खाते थे ना, तो ये चने की दाल ना मेरे घर में बचपन बनती थी, वाइट दाल जो होती है ना, उड़द दाल, धुली हुई दाल, वो मिक्स करके बनती थी। तो आज वो मैं बनाने लगी तो मैंने कहा ये भी एक रेसिपी बहुत है तो बहुत ही सिंपल, पर क्या है बच्चों को आइडिया नहीं मिलता कि क्या बनाएं। तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो सिंपल भी छोड़ना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये दाल आज बनाई। इसके लिए मैंने चने की दाल को सुबह मतलब 3-4 घंटे पहले ही भिगो दिया था, जिससे वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, डाइजेशन में प्रॉपर होती है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है उस दाल की। उसमें मैंने टमाटर बड़े बड़े इसलिए डाले क्योंकि इसको तड़के में सीधे में डाल देती हूँ ऐसे। फिर धुली हुई दाल भी उसमें डाली, सिर्फ एक सीटी दिलवानी है। एक सीटी दिलाने के लिए रख दिया, उसमें नमक, हल्दी, घी, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पाउडर डाल के, पेस्ट डाल के मतलब ऐसे क्रश्ड करके। जैसे ही मेरी प्याज को अच्छी तरह मैंने ब्राउन कर लिया, उसमें जीरा और हींग डाल के सिंपल, एकदम सिंपल। फिर टमाटर के जो बड़े बड़े पीसेस थे ना, उसको निकाल के तड़के में डाल दिया, जिससे कि जल्दी तड़का हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैंने डाला है कोरिएंडर पाउडर, घर का बना हुआ कोरिएंडर पाउडर है, घर का बना हुआ है गरम मसाला है, और लाल मिर्ची। लाल मिर्ची को मिक्स किया, थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लग रही थी तो मैंने हल्की सी हल्दी डाली इसमें। और उसके बाद मैंने चॉप्ड यहाँ पे पालक डाल दी। पालक अच्छी तरह से इसके साथ ही कुछ देर पकाया, जिससे ये तड़का भी अच्छी तरह डन हो गया। और दाल को ना इसलिए मैंने सिर्फ एक हल्की सी सीटी दिलवाई क्योंकि चने की दाल मैंने सोख करके रखी हुई थी, वो टूटे भी ना और वो एज़ मतलब बिल्कुल पॉइंट पे गल भी जाए, और उड़द की दाल तो एक सीटी में गली जाती है, तो धुली हुई थी वो इसलिए। तो अब मैंने तड़का मिक्स किया, अब इसको अपने हिसाब से पका लो। थोड़ी देर पकाया, जितनी आपको गाढ़ी या पतली खानी है उस हिसाब से आप भी खा लो, चपाती के साथ, चावल के साथ, जैसे भी। बढ़िया सिंपल और सादा खाना सोल फीड करता है। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच।